मेरी आन है तू। सही और रफीक का मैं कलर का शौकत सही और सही मेरी दी को बजा गया। मेरी भाभी जोक सियाल की लड़की भगा कर ले गया वो कमी का लड़का, और तुम लोग यहाँ ना मर्दों की तरह खड़े मुझे नाकामी की खबरें सुना रहे हो। तुमने हमारा बहुत साथ दिया है, मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डालना चाहता। किस्मत हुई तो फिर मिलेंगे मेरे यार। हाँ भाई शौकी, शौकत ही है ना। नूरी भागो भागो, नूरी भागो। सर होम मिनिस्टर साहब आपसे बात करना चाह रहे हैं, उनका स्टाफ है दूसरी तरफ हॉटलाइन पर। ठीक है। जी बात कराएं मिनिस्टर साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आई साहब ये नई अपॉइंटमेंट्स और पोस्टिंग ट्रांसफ़र ऑर्डर्स का क्या हुआ? सर वो समरी भिजवा दी आपको, जैसे ही फाइल वापस आएगी मैं ऑर्डर इशू कर दूँगा। और यहाँ आपने प्रोवेंशियल हेडक्वार्टर में किस लड़के को प्रपोज किया आपने प्रपोजल में? सर एएसपी अरसलान मंजूर को, बड़ा काबिल ऑफिसर है और अपने बैच का टॉपर भी। ओहो आईजी साहब, मैंने आपको पहले भी कहा था कि सूबाई हेडक्वार्टर की पोस्टिंग्स में मेरे साथ पहले डिस्कस कर लिया करें। आप ये समरी मुझे दोबारा फुटअप करें। लेकिन सर मैंने बेस्ट ऑफिसर को चुना है इस अहम पोस्ट के लिए। आईजी साहब हम अवामी लोग हैं, हमें अपने दोस्तों का ख्याल रखना होता है। अब देखे ना हमारे एक बड़े ही पुराने और बड़े ही मुखलिस दोस्त अकरम तरीन के भांजे को आपने बिल्कुल ही तड़ी पार लगा दिया है किसी नई सब डिवीजन में। वो क्या नाम है उसका? हाँ जोक सियाल में। सर सारी पोस्टिंग कंप्लीट मेरिट पर हुई है। नहीं आजी साहब, इन पुराने मेहरबानों की वजह से ही आप और मैं आज सीट पर मौजूद है। आप इस तरह करें, अकरम तरीन के भांजे को सूबाई हेडक्वार्टर में लगाएं और जिस लड़के को आपने प्रपोज किया उसे कहीं और लगा दें। और वैसे ये लड़का है कौन? किसी सियासतदान या ब्यूरोक्रेट का बेटा है या कोई और बिग शॉट? नहीं सर, एक रिटायर्ड पुलिस हवलदार का बेटा है और अपनी मेहनत और काबिलियत की बिना पर पुलिस में आया है। अच्छा गुड, तो भाई ठीक है, आप उसको शराज की जगह पर जोक सियाल भेज दें और उसे मेरी तरफ से शाबाशी भी दे। और मैं भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसकी तारीफ कर दूंगा कि हमारा निज़ाम इतना शफाफ है कि इसमें एक हवालदार का बेटा भी आला अफसर बन सकता है। गुड। क्या हुआ अब्बा, कुछ पता चला? ये बाहर इतने सारे लोग क्यों जमा हैं? पकड़े गए हैं वो दोनों बदनसीब। सुबह सवेरे शोरकोट के स्टेशन से मुल्तान की गाड़ी में बैठ रहे थे कि मीर के बंदों ने आके धर लिया उन्हें। अब ला रहे वापस उन्हें अपने इलाके। शौकत का जुर्म क्या है? नूरी और शौकत तो एक दूसरे को पसंद करते हैं, अपनी खुशी से एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं। फिर ये लोग उन्हें जीने क्यों नहीं देते? उनका पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? गरीब को कौन जीने देता है? और फिर हाकिम की मर्जी के खिलाफ जाकर आज तक किसी राया ने सुख पाया है? हम किसी की राया नहीं है। 70 साल से ज्यादा हो गए इस मुल्क को आजाद हुए, फिर भी ये इलाके के जागीरदार और जमींदार हम पर राज क्यों करते हैं? इनके लिए कोई कानून, कोई कायदा नहीं है। कुछ तो होगा ना अब्बा। जोरावर के लिए कोई कायदा, कोई कानून नहीं होता। ये आजादी व आजादी की बातें सिर्फ दिखावा है जो अमीरों ने अपनी तकरीरों के लिए रखी है। हमारी दुनिया में आज भी ताकत और जोर का कानून चलता है। अब्बा, पर नूरी का क्या कसूर है? वो तो मासूम है। और शौकत ने क्या गुनाह किया है? उसके सौतेले बाप ने जागीरदार से हजारों रुपया कर्ज ले रखा है। उसकी रियाया में शामिल है नूरी का बाप भी। और शौकत ने पीरल साईं की सल्तनत से बगावत करने की कोशिश की है। ये जागीरदार वडेरे बाकी जुर्म तो शायद किसी का माफ कर दे, लेकिन बागी को कभी नहीं बख्शते, क्योंकि ऐसे बागी उनकी सल्तनत के लिए खतरनाक साबित होते हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि जुल्म और बगावत में से एक ही चीज बाकी रह जाती है दुनिया में। असलान, मेरी तो ख्वाहिश यही थी कि तुम्हें यहीं पर सूबाई हेडक्वार्टर में पहली पोस्टिंग दी जाए, मगर पॉलिटिकल एलीट की सिफारिशों ने नाक में दम कर रखा है। 10 मिनिस्टर्स और MNAs फ़ोन करवा चुके हैं CM सेक्रेटरी से। अब तो यहाँ पर पोस्टिंग्स की बाकायदा बंदर बांट होती है। कोई बात नहीं सर, आपने मेरे लिए इतना सोचा, मेरे लिए बहुत। लेकिन मैंने अभी फाइल रोक रखी है। तुम्हें शायद किसी नए सब डिवीज़न में तैनात किया जाए, लेकिन वहाँ पर सहूलतों का फुकदान होगा और तुम्हें अपना ऑफिस तरतीब देने में बहुत मेहनत करनी होगी। डोंट वरी सर, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। आई एम रेडी टू जॉइन एनीवेयर। गुड, आई अप्रिशिएट। थैंक यू। जिसने झोंक सियाल की लड़की भगाने की जुर्रत की है। कहां से मिले ये दोनों? रात को रेलगाड़ी से फरार होने की कोशिश कर रहे थे, वहीं पे धर लिया। वो मर गए मीरल की पहुंच से दूर भागने वाले। भली दुनिया इतनी बड़ी नहीं हुई कि कोई मीरल की पहुंच से बच सके। इन दोनों को मैं इबरत का निशान बना दूंगा, ताकि आइंदा कोई ऐसी जुर्रत ना कर सके। सियाल ये यहाँ से बहुत दूर है। यहाँ तक मुझे पता है वो कच्चे का इलाका है और लाकानूनियत का राज है वहाँ पर। जी अब्बा, उसी लाकानूनियत को ख़त्म करने के लिए तो सरकार मुझे वहाँ तैनात कर रही है अब्बा। लेकिन बेटा, तुम्हारे अब्बा तो बता रहे थे कि जिसके भी मुकाबले के इम्तहान और ट्रेनिंग में पोजीशन आती है उसकी पहली तैनाती तो हेडक्वार्टर में ही होती है। अच्छी पोस्टिंग्स आजकल वजीरों और बड़े लोगों के सिफारिशियों को ही मिलती है। गरीब आदमी का बेटा हर हाल में पीछे ही रहता है, चाहे जितनी भी मेहनत कर ले। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप ही ने तो मुझे सिखाया कि सरकारी मुलाजिम को सरकार के हुक्म की अतात करनी। अब इलाका जैसे भी हो, मुझे तो अपनी ड्यूटी करनी है। ठीक कह रहे हो बेटा। वाह, बहुत खूब। तुम वाकई इतनी खूबसूरत हो या औरत बागी हो के इतनी हसीन लगती है। माशाल्लाह, तुमने पीरल साईं को मुश्किल में डाल दिया है। जोक सयाल में इतना हुस्न रोल रहा है, तुमने मुझे पहले कभी भी बताया था नहीं बख्श। फिर तुम लोग कहते हो कि पीरल साईं सूद पे कर्ज देकर बहुत जुल्म करता है तुम पे। देख लो इस बदबख्त को जो तुम्हारे घर की इज्जत भगा कर ले जा रहा था। अगर पीरल जोक सयाल की इज्जत को डुबोने वाले को ना रोकता तो कौन बचाता? खुदाए रहीम क्या बोलता है? आप ही हमारे माँ प्यू हैं सही, जो आपका फैसला सही। लड़के को बगावत दे जुर्म में सजाए मौत सुनाई जाए। नहीं, नहीं, नहीं। ताकि दोबारा ऐसी कोई जुर्रत ना करे। का कोई कसूर नहीं है। मैं अपनी मर्जी से उसके साथ गई थी। हम दोनों निकाह करना चाहते हैं, कोई जुर्म नहीं है ये। देख रहे हो खुदा रहीम, तुम्हारी बेटी पर भी जादू कर दिया इस मदारी ने। साईं, साईं को जी में पता लगे, पकड़े गए, मैं फौरन आ गया। कभी तो वक्त पर आ जाकर थानेदार, कभी तो अपनी तनख्वाह हलाल कर। तू भी कब तक पीरल साईं के सहारे चलता रहेगा तुम्हारा ये कानून? जी रहमत है और रहमत है, कहां मर गई कमबख्त? क्या बात है बड्डी सैन, इतना गुस्सा किस पे कर रही हो? रहमते को मैंने भेजा हवेली से बाहर अपने काम से। रहमते को तुमने अपने काम से भेजा है? तुम्हारी हिम्मत किस तरह हुई? अपनी हद में रहा करो। मैं तो अपनी हद में रहती हूँ सरदारी बेगम, आप अपनी हद भूल जाती हो। याद नहीं बड्डे साईं ने कहा था कि मैं अपनी मर्जी से जो चाहे मुलाजमा रख सकती हूँ, तो बस रहमते को मैंने रख लिया अपने काम से। बड़ी हवाओं में उड़ रही हो आजकल, हाँ? ये सारे बलकस निकल जाएंगे चंद दिनों में। फिर मैं पूछूंगी तुमसे कि आटे दाल का भाव क्या है? आटे दाल घी चीनी चावल का भाव तुम्ही को मुबारक हो, जचता है ना तुम्हारी उम्र पे। मैं तो अपने मर्द की मनचाही औरत हूँ, वो ना मुझे हर वक्त सजा समरा देखना चाहते हैं, इसीलिए तो दुल्हन बनी रहती हूँ हर वक्त। मत का दिल और वक्त का मौसम बदलते हुए देर नहीं लगती। तुम शायद भूल रही हो, ये मनचाहे होने का भरम मेरे पास था, उसी बड्डे साईं की दुल्हन मैं थी। तुम शायद भूल रही हो, तुम्हें तो मेरी उतरन मिली है। और हाँ, हवेली का वारिस तो मेरा बेटा मीरल अब भी है, वाहिद वारिस। तुम्हारे पास क्या है? ये सब कुछ मेरा ही है सरदारी बेगम, और मेरा ये भरम कभी नहीं टूटेगा। तुम यूं ही जलती भुनती रह जाओ। सुना नहीं तुमने, दुल्हन वही है जो पिया मन भाए। चल सुगरा, अपने साईं के आने से पहले अभी बहुत काम करने हैं मुझे। उनकी पसंद का खाना भी तो बनवाना है ना, मेरे ही हाथ से खा रहे हैं ना आजकल। जुल पीरल ने अपने इलाके में हमेशा इंसाफ किया है, आज भी तुम पीरल के इंसाफ के गवाह रहना। खुदाए रहीम ने मेरा हजारों रुपया कर्ज में वापस लौटाना है, लेकिन पीरल कभी सख्ती नहीं करता किसी पे, इसलिए खुदाए रहीम की दरख्वास्त पे मैं इसको 3 महीने की मोहलत और देता हूँ। लेकिन खुदाए रहीम की बेटी नूरी इस वक्त में हवेली की बीबियों की खिदमत करेगी। खुदाए रहीम, तुझे कोई एतराज? जो आपका हुक्म सही। लड़के को थानेदार के हवाले कर दो। पीरल कभी भी कानून के रास्ते में नहीं आता। जा थानेदार, ले जा इसे। फिर ना कहना कि पीरल तेरी थानेदारी नहीं चलने देता। झोंक से आलू मैं ताबेदार जो हुक्म बड़ी मैं। ये लड़का कहीं नहीं जाएगा, ये मीरल का मुजरिम है, इसको सजा भी मैं ही दूंगा। मीरल बैठ जा, तेरा बाप अभी जिंदा है जरगा चलाने के लिए। बाबा साईं बैठ जा। खोल इनको, खोल खोल खोल। जाने दो, चौकीदार को जाने दो, मुझे हाथ फेंकना है। ये नाइंसाफी है, बंद करो ये जिरगे का ढोंग। पीरम साई, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। जाने दो, मैं हाथ जोड़ती हूँ, जाने दो। मैं और नूरी एक दूसरे को पसंद करती है। उदास दाम है, उसे छोड़ दो। चल बड़ा बदमाश, बंद करो ये। हाँ पहुंच गए, देखो बाबा बहुत पंक्चुअल हैं। हाँ पहुंच गए यार। मुझे एक बात नहीं समझ आ रही यार, तुम्हारे डैड ने मुझे बुलाया क्यों ऑफिस में? शायद वो तुमसे अकेले में कोई बात करना चाहते हो। अच्छा सुनो, बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स। लुब्ना बता रही थी कि तुम्हारी पोस्टिंग होने वाली है क्या? जी सर, इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक्सपेक्टेड है। बस कुछ टास्क है जो आईजी साहब ने दिए हैं, वो पूरे करने हैं। फिर तैयारी है झोंक सयाल की। झोंक सयाल? ये कौन सा इलाका है? एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है सर, जिसे अभी सब डिवीजन का दर्जा दिया गवर्नमेंट है। नहीं नहीं यार, तुम्हें झोंक सयाल टाइप किसी बैकवर्ड इलाके में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आईजी साहब से बात करता हूँ, तुम्हें सीएम या गवर्नर के स्क्वाड में लगवा दूंगा। जस्ट चिल। नहीं नहीं सर, एक्चुअली मैं अपनी विलिंगनेस भी शो कर चुका अपने सीनियर्स को, तो थैंक यू। और लुब्ना, लुब्ना को भी तो ये गांव देहात वगैरह पसंद नहीं है। उसे रोज छुट्टियाँ गुजारनी होती हैं तो यूरोप भागी चली आ रही होती है। तो उसका भी सोचना चाहिए सलाम। सर मेरी जॉब है, मेरा करियर है, एंड अबव ऑल सर मैं अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हट सकता। देखो सलाम, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ और तुमसे भी सीधी बात ही करूँगा। जब लुब्ना ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया तो मैंने उसके फैसले को खुले दिल से कबूल किया। हालांकि मुझे अपनी बेटी के लिए किसी बिजनेस फैमिली की तलाश थी। सर वो मैं, तुम भी अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, क्योंकि तुम मेरी बेटी की पसंद हो और तुम्हारा फ्यूचर भी ब्राइट हो सकता है अगर तुम मेरे मशवरों पे अमल करो तो। मैं सुन रहा हूँ। तुमने कोई टाइमलाइन डिसाइड की है कब तक करनी है शादी? सर एक्चुअली मेरे घर में मेरी दो बहनें हैं, उनकी शादी करने से पहले मैं अपनी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता सर। देखो एक बात तो तय सलाम, कि लुब्ना शादी के बाद तुम्हारे उस पसमानदा मोहल्ले में नहीं जाएगी। मैं तुम लोगों को शादी के बाद, बल्कि शादी से पहले ही किसी अच्छे इलाके में कोई अच्छा सा घर सेट कर दूंगा। तुम चाहो तो अपने घर वालों को भी अपने साथ रख लो। आई एम रियली सॉरी सर, शायद ये मुझसे ना हो पाए, but thank you very much for your offer. तुम सोच लो, थोड़ा वक्त दे लो। लुब्ना एक बहुत जज्बाती लड़की है, उसे आइंदा आने वाले क्लास डिफरेंस की प्रॉब्लम्स का अंदाजा बिल्कुल नहीं है। लेकिन तुम तो समझदार हो ना, उम्मीद है मेरी बात समझ रहे हो। Absolutely sir. मेरे रोशन मुस्तकबिल का रास्ता मेरे घर के अंधेरों से होकर गुजरता सर। अपना घर रोशन किए बगैर मैं अपने लिए कोई चिराग नहीं जला सकता। But thank you very much for your time sir. I really appreciate it. I love us. और शरीफे जी सरकार इधर आ। जनाब किसी खाते में इंदराज तो नहीं किया ना इसका? नहीं जी अभी तो नहीं किया। हाँ करना भी नहीं। खास ख्याल रखना किसी रजिस्टर में इधर उधर इसका नाम नहीं आना चाहिए। ठीक हो गया। पिरल साईं का खास मेहमान है हमारे पास। और किधर हैं तुम्हारे वो सब इंस्पेक्टर असगर साहब? इधर ही होगा जनाब, थाने में होगा। या बुलाओ उसे जरा। ठीक है जी। वो एक पल मोतिये दमार के जगह सोनिए। हाँ भाई सुना तरस आता है तेरी जवानी पर। और ये जानजार और जमीन यही तो सारे फसाद की जड़ है ना। एक बात बता, तेरे पास ना तो ज़र है और ना जमीन। और ये जन का दावेदार कहाँ से हो गया? सोनिया नजरा नीचे। एक पल मोतिये दमार के। हाँ भाई कर्मो क्या पिला यार। शशि रोटी क्यों नहीं खा रही हो? पापा भूख नहीं है। सोग मना रही है अपनी उस दिलजानी सहेली। देखना अब्बा, पीरल सही उन दोनों को इबरत का निशान बना देगा। काश मैं भी वक्त पर वहां पहुंच जाता तो इनाम में मेरा भी हिस्सा होता। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम पापा के इतना समझाने के बावजूद इतने बैकवर्ड एरिया में ज्वाइनिंग देना चाहते हो? Why do you worry अरसलान? तुम्हें पता है पापा तुम्हें बेस्ट पोस्टिंग दिलाएंगे। मेरी जॉब है लबना, और एक सरकारी मुलाजिम की ज़िंदगी में ये बहुत आम चीज़ है, ये पोस्टिंग ट्रांसफ़र आज यहाँ कल वहाँ। और मुझे एक बात बताओ, ये तुम्हारे पापा कब तक मेरा करियर प्लान करेंगे? So just let it be। पापा सिर्फ तुम्हारा करियर नहीं, तुम्हारी पूरी लाइफ मेरे साथ प्लान करना चाहते। घर, गाड़ी, रुतबा, हर चीज तुम्हारे स्टेटस के मुताबिक होगी। देखो अगर तुम चाहते हो तो हम तुम्हारे पेरेंट्स को भी हमारे साथ रखेंगे। मुझे कोई एतराज नहीं। ये बात तो पापा ने भी की होगी तुमसे। तो गोया तुम्हारे पापा मुझे घर दामाद बनाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। हाँ? नहीं, वो ये सब हमारे फ्यूचर के लिए करना चाहते हैं। प्लीज अपना देखो, मैं एक सेल्फ मेड आदमी हूँ। मुझे जिंदगी में कभी ऐसे सहारों की जरूरत नहीं पड़ी। आई मीन डोंट गेट मी रॉन्ग, मुझे तुम्हारे पापा से कोई शिकायत नहीं है, ना ही मैं तुमसे कोई गिला कर रहा हूँ। नाम छोड़ के तुम हमारी बेहतरी के लिए बात कर रहे हो। लेकिन लुबना, तुम्हें मुझे मैं जैसा हूं जो हूं की बुनियाद पर कबूल करना पड़ेगा। मेरी कीमत तो ना लगाओ यार। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ। मेरी बात, एक बात जान लो, अगर हमें एक दूसरे को पाकर खुशी नहीं मिल रही तो ये बैंक बैलेंस, ये पैसे, ये गाड़ी, ये स्टेटस भी हमें कोई सेटिस्फाई नहीं कर सकेंगे। तुम्हारे लिए आसाइशें पा लेना तुम्हारी मोहब्बत की तकमील है, तो आई एम सॉरी लुबना, मैं ऐसे नहीं सोचता हूँ यार। मेरे लिए तो हमारी मोहब्बत, तुम्हारा साथ सबसे बड़ी आसाइश है। रोटी टुकर खा ले थोड़ी सी, सुबह से भूखी है तू। मैंने नहीं खानी रोटी, क्यों बंद करके रखा है मुझे यहाँ? शौकत कहाँ है? साईं, तू यहाँ कैद नहीं है, मेहमान है, पीरियड की मेहमान। उधार का मामला है, तेरे बाप पर बड़ा कर्ज है पीरियड का, उसे कैसे उतार दे और तू चले जा। मेरे बाप की मजबूरी की सजा मुझे और शौकत को क्यों दे रहे हैं? हमने आपका क्या बिगाड़ा है? ना 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 ना, मैं सजा क्यों दे रहा हूं? तेरा बाप और भाई खुद छोड़ के गए हैं तुझे। मैं हमसे मिन्नत करती हूँ, शौकत को रिहा करा दे थाने से। मैं आपकी हवेली में नौकरानी बनकर रहूंगी जब तक मेरा अब्बा आपका उधार वापस नहीं लौटा देता। मैं दिन रात बड़ी बीबी की खिदमत करूंगी, सारे जनाने की खिदमत करूंगी। ना सोने ना शर्मिंदा ना कर, तू इस महल की रानी बन के रह सकती है और शौकत की भी जान बच सकती है। मैं खुद उसे छुड़ाऊंगा, वरना इलाके के लोग उसकी जान लेकर छोड़ेंगे। नहीं 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 पीरज साहिब, मैं मन्नत करती हूँ शौकत को बचा लूँ। तो ठीक है, तुझे मुझसे निकाह करना होगा। तेरे बाप का सारा कर्ज खत्म हो जाएगा और शौकत। आप क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बेटी की उम्र की हूं, लेकिन बेटी तो नहीं। सोच ले, तेरी एक हां से तेरे खानदान के सारे मसले हल हो जाएंगे। दिल आ गया है तुझ पे। पीरल ऐसी पेशकश किसी को नहीं करता, कबूल कर ले, वरना सारी उम्र यहां पड़ी सड़ती रहेगी और जवानी रुल जाएगी। मट